लखीमपुर खीरी कांड का मामला, आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। घटना के 6 दिन बाद क्राइम ब्रांच में हुई पेशी। आशीष मिश्रा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान मंत्री अजय मिश्रा ने समर्थकों से शांति की अपील की। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी का चुनावी शंखनाद। राजधानी में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। स्मारक स्थल पर रैली को मायावती ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा की ओर से कांशीराम स्मारक स्थल पर पहली बार रैली हुई, जिसमें समाज के हर वर्ग से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। सभी जिलों से दो दो बसों में कार्यकर्ताओं को लाने का को कहा गया। लखनऊ के आसपास के जिलों में बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी कहा गया। महारैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, जनता बीएसपी शासन को याद कर रही है, विरोधी पार्टियों के हथकड़ों से सावधान रहे। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि 2007 में बीएसपी की बहुमत की सरकार थी, हमने यूपी को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी। मायावती ने कहा कि बीजेपी को अपने वोट देकर के वोट खराब ना करें। माया आगामी चुनाव में पूरी ताकत से उतरना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमें सर्व समाज के हितों का ध्यान रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, हम चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें सभी एजेंसियों के सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेंगे। चुनाव होने तक चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि सर्वे के बहकावे से कार्यकर्ता दूर रहे, चुनाव सर्वे से दूर रहे और सर्वे गलत होते हैं। साथ ही कहा कि बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर के मायावती ने कहा कि बीजेपी के राज में किसान परेशान है, देश भर का किसान गुस्से में है, कृषि कानूनों को लेकर के किसानों में आक्रोश है। महारैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीजेपी राज में गरीबों की हालत खराब हुई है। साथ ही कहा है कि कोरोना काल में गरीब परेशान हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर मायावती का बड़ा हमला, कहा यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है। साथ ही कहा कि केजरीवाल के फ्री के वादे पर ध्यान न दें। बीजेपी आज से करेगी पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत। 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे पन्ना प्रमुख। बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ दौरा। योजना भवन में शिक्षा विभाग की बैठक मिलेंगे हिस्सा। शाम को चुनावी रणनीति को लेकर होगा मंथन। लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद माहौल अभी तलक नजर आ रहे हैं। तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12:30 बजे अखिलेश करेंगे पीसी। सपा में शामिल हो सकते हैं कुछ नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में प्रतिज्ञा और शंखनाद रैली करेंगे। प्रियंका कल यानी 10 अक्टूबर को वाराणसी आ रही हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री राजेश तिवारी ने भी कमान संभाल ली है। दूसरी तरफ पूर्व विधायक अजय राय और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस से रैली को सफल बनाने में। राजेश तिवारी ने तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज ये महंगाई से त्रस्त होकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लालू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू समेत पूर्व मंत्री विधायक अजय राय, कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन।
नवरात्रि के तीसरे दिन मां भगवती की तृतीय शक्ति मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, लेकिन इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन विधान है। वाराणसी में नवरात्र के दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। नवरात्र के मौके पर माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। कानपुर में प्राचीन पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर बना अखाड़ा। पनकी मंदिर में महंत के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। मंदिर में हुए हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल। मंदिर की गद्दी के चलते आए दिन होता है झगड़ा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की दबंगई। स्थानीय पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई। शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने वाराणसी के दौरे के दौरान तीसरा पड़ाव रामेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन कर महादेव का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन करने के बाद सेवापुरी विकासखंड आदर्श ब्लॉक के आधा दर्जन विद्यालय पर तूफानी दौरा कर निरीक्षण भी किया। कानपुर के रियल स्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता के गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत मामले में फरार चल रहे आरोपी 6 पुलिस कर्मियों पर 25,000 का इनाम रखा गया है। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि फरार पुलिस कर्मियों की तलाश में कानपुर की 6 टीमों को लगाया गया है। ये टीम पुलिस कर्मियों के गृह जनपद के साथ ही नजदीकियों के यहाँ गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एटा में मंदिर की छत पर सो रहे साधु की गला रेत करके हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया। रामपुर में गन्ने के खेत में मिले लाश, वहीं मृतक के पास मिली कीटनाशक रैपर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रामपुर के जिला अस्पताल में हुई लापरवाही। डिप्टी रूम से गायब रहते हैं डॉक्टर। गर्भवती महिलाओं के तीमारदार हुए परेशान। पीलीभीत में पुलिस ने जमकर काटा बवाल। सिपाही ने की डीसीएम चालक की पिटाई। किराया मांगने को लेकर के हुई थी कहा सुनी। बुलंदशहर में जबरन चिकन मीट शॉप बंद कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दुकान में घुसकर हिंदू संगठन के लोग जबरन बंद कराते नजर आ रहे चिकन मीट की दुकान। वीडियो में फटाफट बंद करो दुकान और खुलनी नहीं चाहिए धमकी देते नजर आ रहे हैं हिंदू संगठन के लोग। वीडियो में दुकान का शटर भी खुद ही गिराते नजर आए हिंदू संगठन के लोग। ग्रेटर नोएडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई मामलों में फरार चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश नवीन और छोटा को गिरफ्तार किया गया है। देवरिया में पट्टीदारों ने महिला को मामूली विवाद में जमकर पिटाई कर दी। विवाद वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। बिजनौर में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। हत्या में बातचीत था बदमाश महिपाल। एक अवैध तमंचा भी बरामद। अमरोहा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के ट्रक से जा टकराई। वहीं हादसे में 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से नौगांव जा रही थी यात्रियों से भरी बस।
अमरोहा में झोला छाप के गलत इलाज से मरीज की हुई मौत। झोला छाप ने मरीज का किया था ऑपरेशन। ऑपरेशन के एक घंटे बाद ही मरीज की हुई मौत। मरीज की मौत के बाद झोला छाप मौके से फरार। उत्तराखंड के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत हल्द्वानी में दौरे का आज दूसरा दिन। संघ कार्य की गति और कार्य विस्तार पर करेंगे बैठक। कांग्रेस का यूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान। दो दिनों तक प्रशिक्षण वर्कशॉप का होगा आयोजन। पार्टी के मूल सिद्धांतों की कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जानकारी। वरिष्ठ नेता मदन सिंह महर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। काशीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें आप के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लगभग ये तय हो गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मदन महर चंपावत सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत के मदन मोहन को टिकट दिया गया। ২০১২ का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़कर के दूसरे स्थान पर रहे थे मदन सिंह महर। वहीं इस दौरान चंपावत के ही बीएसपी के जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पांचवें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 पैसे की इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.84 रुपये और डीजल की कीमत 92.47 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.83 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 100.29 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.52 रुपये प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 95.58 रुपये प्रति लीटर पर पहुंची है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,858 नए मामले सामने आए। 23,062 रिकवरी हुई है और 247 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,620 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 59 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 23 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी भी 399 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार हुआ डाउन। अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को हुआ विस्फोट। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के काबुल से भागते वक्त कैश ले जाने के आरोपी की जांच शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से काबुल में बातचीत चला रहा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल 2021 तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुन्नाह को दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता अजबेत चाई बस रेली और उनके पति जिम टीम खुश होने के साथ साथ भावुक भी हुई हैं। सलमान खान के अंतिम के एडिशनल सीन्स के शूटिंग खत्म कर ली गई है। जानवी कपूर ने हाथ पर बनवाया यूनिक टैटू। श्रीदेवी के हैंडराइटिंग में लिखवाया आई लव यू माय लव। सोनू सूद की फैन फॉलोइंग कोरोना काल में डबल हुई है। वहीं सिम कार्ड पर बना दी सोनू सूद की पेंटिंग। सब डॉक्टर जूनियर एनटीआर ने पूरी की अस्पताल में भर्ती फैन की ख्वाहिश। अब उठाएंगे इलाज का खर्च।
शूटिंग से पहले 3 महीने अमृतसर में रहे विक्की कौशल ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दर्द महसूस कर सके। स्टारडम हासिल करने के बावजूद विक्की कौशल ने कैरेक्टर स्किन में जाने का तरीका नहीं बदला है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निक वेब T20 वर्ल्ड कप के बाद पद से इस्तीफा देंगे।